नमस्कार दोस्तों। दोस्तों यह भारत देश तो राजनीति के लिए ही जीता है और राजनीति के लिए ही काम पर निकलता है, और ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर का सच अब धीरे धीरे करके सब सामने आने लगा है। यानी जिन जिन बातों का जिक्र लगातार होता रहा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के ऐलान क्यों नहीं किया गया, उसको आगे क्यों बढ़ा दिया गया, कितना समय चाहिए था एकनाथ शिंदे की सरकार को, कितना समय चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को उस राजनीतिक जमीन को तैयार करने के लिए जिस जमीन को 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आंखों से खिसकते हुए देखा और गवाते हुए खुद को भी गवा पाने की स्थिति में लाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़ा कर लिया। 2 से 3 महीने चाहिए यकीनी तौर पर, इन 2 से 3 महीने यूं कहे कि 60 से 90 दिन के भीतर क्या कमाल महाराष्ट्र के भीतर हो जाएगा, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत का एहसास महाराष्ट्र की राजनीतिक जमीन पर करने लगेगी, या फिर एकनाथ शिंदे और अजित पवार को क्या सच में ताकत इन 2-1 महीने के भीतर इतने सारे ताकत मिल जाएगी। दरअसल ये कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक परिस्थितियों को यदि आप 1 साल के भीतर जितने भी चुनाव हुए सबको समझना शुरू कर दे, सबको परखे, तो आपके सामने एक ही सच्चाई निकल कर के आएगी। वो सच्चाई यही होती है कि इस भारत देश के भीतर जो कोई भी सत्ता या जो भी विपक्ष इस बात का जनता से वादा कर दे कि वह कितना पैसा बांटेगा, उसके बाद तो उसके अनुकूल राजनीति हवा देश में बहने लगेगी। और शायद ये बहुत दूर की गोटी है कि इस भारत देश के भीतर में दलित आदिवासी हो या पिछड़ा तबका हो या फिर अल्पसंख्यक समुदाय हो, वह कितनी बड़ी संख्या में इस भारत देश के भीतर इंडिया गठबंधन के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में साथ खड़ा हो गया। और महाराष्ट्र के भीतर भी अलग अलग जाति समुदाय के समीकरणों के परिस्थिति को यदि आप समझे तो आप सोचेंगे कि यकीनी तौर पर एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। लेकिन सवाल उठता है कि इंडिया को ये फायदा क्यों मिला 2024 के चुनाव में। राहुल गांधी जिस अंदाज में 8,500 रुपये हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में खटाखट कह करके पहुंचा रहे थे, उस खटाखट का कमाल ये था कि साल भर के भीतर 1,00,000 रुपये मिल जाएंगे। यह बात सोच इस भारत देश की आम जनता जो हाशिए में पड़े हुए तबका, वो महिलाएं की परिस्थिति और उनकी आर्थिक तंगी, इन तमाम परिस्थितियां जो है उसके भीतर 1,00,000 रुपये हर साल मिलना शायद ये बहुत बड़ा बहुत शानदार उपलब्धि था। और इसीलिए राज्य दर राज्य या फिर कहे पूरे भारत देश की परिस्थिति को यदि आप समझे तो महिलाओं के वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जबरदस्त तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ा है। उसी बात की नब्ज को इस देश के तमाम राज्यों के राजनेता पकड़ने की कोशिश किया। इसका सबसे सफल तरीका शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के भीतर लाडली बहन योजना के जरिए कमाल करके दिखा दिया 2024 के चुनाव में। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमाल काम नहीं आया, वहां पर पुराने दौर में अपने तरीके से चल रहे कमलनाथ और दिग्विजय का भी कोई कमाल सामने नहीं आया। वो लाडली बहन योजना का कमाल था मध्य प्रदेश के भीतर, और इसी अक्ष तले महाराष्ट्र की पूरे राजनीति को साधने का प्रयास 3 चरणों में 3 स्तरों पर किया गया। इन 3 स्तरों के भीतर सबसे पहला कदम लाडली बहना योजना ही है जिसको लागू किया गया, और उसके बाद जब 14 और 15 अगस्त को 80,00,000 खातों के भीतर एक साथ एक मुश्त 2 महीनों की रकम, क्योंकि इसको 1 जुलाई से लागू कर दिया गया। ऐलान अगस्त के भीतर हुआ लेकिन लागू 1 जुलाई से हुआ, और जुलाई अगस्त का एक साथ 80,00,000 खातों में जब पैसा पहुंचा तो पूरे महाराष्ट्र के भीतर महिलाओं के भीतर एक अवसर रह गया, और गांव दर गांव, घर दर घर, शहर दर शहर, कस्बे दर कस्बे ये महिलाओं के भीतर ये बातें चलने लगी कि किसी भी हाल में अब अपने अकाउंट के साथ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को जोड़ना है। और उसके बाद महाराष्ट्र भर में आज के दौर में आप ढूंढ के देख लीजिए हर बैंक दर बैंक, वहाँ पर जो शोर शराबा हो हंगामा है, जितनी बड़ी संख्या में महिलाएं बैंक पहुँच रही है उन संख्या को देख करके एक समय राज्य सरकार भी सकते में आ जाती है। उसको ये समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनधन खाते के साथ जुड़ी थी और इस दौर में किसी ने KYC कराया नहीं था, तो फिर टूट पड़े सभी के सभी बैंकों के ऊपर, और महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर हाल में बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो जाए और मोबाइल फोन से जुड़ जाए। इसके लिए तो किसी भी बैंक को छोड़ा नहीं गया,
खासतौर पर सरकारी बैंकों का ही तो ये काम होता है, क्योंकि वहीं पर जनधन खाता मौजूद था और उसके भीतर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI जो करीब करीब 40% का हिस्सेदारी है अकेले का, जो सरकार के तमाम लाभार्थियों के साथ जाकर सीधा जुड़ जाता है। आज जब इन तमाम बातों को परखने का जब प्रयास किया और समझे कि पूरा खेल कैसे किया जाता है, आखिर महाराष्ट्र की राजनीति कैसे धीरे धीरे करवट ले रही है, तो उसके भीतर भी विदर्भ का इलाका हो, मराठवाड़ा का इलाका हो, या फिर उत्तर महाराष्ट्र का इलाका हो, या फिर कहे पश्चिमी महाराष्ट्र का इलाका हो, इन तमाम परिस्थितियों के भीतर भी जब गौर करने के बाद जो रिपोर्ट सामने आती है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मौजूद होती है, या फिर उसकी ताकत या उसकी जमीन कैसे तैयार महाराष्ट्र के भीतर हो रही है। हालांकि इस दौर में बैंक के भीतर सारा अकाउंट ठप पड़ा हुआ है जो जनता से जुड़ा हुआ है, एक ही काम महाराष्ट्र के हर बैंक में हो रहा है। वो नज़ारा अपने आप में काफ़ी अद्भुत होता है, जहाँ पर लोगों की भीड़ बैंक के हर ब्रांच के अंदर टूट पड़ी है। यहाँ पर एक छोटा सा बात बहुत साफ संकेत में समझिए कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के भीतर में, इस भारत देश के भीतर में जो कोई भी बैंकों के भीतर काम करने वालों की संख्या है उसको सरकारी बैंकों में, वो अब कम हो गई है। इसको इस रूप में भी इस दौर में समझ लीजिए कि 2014 के भीतर जितने लोग बैंकों के भीतर काम करते थे सरकारी बैंक के अंदर, वो 2024 में उसमें करीब करीब कमी जो एकाएक आ गई, वो कमी करीब करीब 90,000 कर्मचारियों की है। यानी ये कहे कि 2014 में ये संख्या 8,44,454 के आसपास थी और 2024 आज के दौर में ये घटते घटते 7,500 से नीचे आ गई। यानी ये कहे कि करीब करीब 90,000 के आसपास बैंक कर्मी या अप्रोक्स 1,00,000 बैंक कर्मी इस दौर में कम हो गए, और उसी बैंकों के आश्रय मौजूदा सरकार का पूरा धंधा, पूरा काम, पूरा लाभार्थी योजना, तमाम योजनाओं का ऐलान चलता है। तो इससे पहले आगे बढ़े, उससे पहले बैंक वालों का दर्द को समझिए, जिनको सुबह से लेकर के रात तक अब तक इसीलिए ड्यूटी पर लगा दिया गया क्योंकि सरकार ने राजनीति को साधने के लिए बड़ी महीन तरीके से अपने अपने विधायक और MLA MP भर नहीं, बल्कि वह आंगनबाड़ी सेवक सेविका हो, या फिर आशा सेवक हो, या मालवाड़ी सेवक हो, चाहे ग्राम सेवक हो, सचिव हो, सबको उस प्रक्रिया से जोड़ दिया है। और ये पहले तारीख चुके कि 31 अगस्त थी, 31 अगस्त तक जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया, जिसने अकाउंट जोड़ दिया वो ठीक है, और तब तक मामला 80,00,000 अकाउंट का था। लेकिन जरा आप सोच करके देखिए कि अब यह अकाउंट 1,80,00,000 का हो चला है। यानी 1,80,00,000 महिलाएं 21 साल से लेकर के 65 साल के बीच में, और पहले राउंड में 80,00,000 के पास पैसा पहुंचा और दूसरे राउंड में 1,80,00,000 के पास पैसा पहुंचेगा, और बोझ जो है वो तो 46,000 करोड़ का राज्य के ऊपर जो पड़ेगा वो तो पड़ेगा, उसको थोड़ा देर के लिए एक भूल जाइए कि कितने घाटा में है, क्या है, कैसे है। लेकिन इस राजनीतिक परिस्थिति को बारीक तरीके से समझने का प्रयास कीजिए कि हर बैंक दर बैंक जब आपको ये बात बताते हैं, इससे पहले एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए कि स्टेट बैंक का, भारतीय स्टेट बैंक का एक ब्रांच का ये वीडियो होता है, उसके बाद एक दो चीज और दिखाएंगे। देखिए एक छोटी सी क्लिप भर थी, क्योंकि इस वीडियो के आश्रय पूरे महाराष्ट्र का ताना बाना बुनते समय आपको अब उन जगहों के ऊपर भी जाना पड़ेगा जहां पर NDA गठबंधन को वोट पड़ते ही नहीं थे, और खास तौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों के भीतर, उन इलाकों के भीतर इस 1,500 रुपये या फिर कहीं लाडली बहनी बहन योजना का जो प्रभाव है वो कैसे पॉलिटिकल तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहे या फिर एकनाथ शिंदे कहे, इनको फायदा, या फिर NCP अजीत पवार के पार्टी के लोग भी अब इस प्रक्रिया में जुड़ गए हैं। और पूरे महाराष्ट्र को इसलिए आज हमने आपके साथ जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सवाल केवल बैंक के अधिकारियों भर का नहीं है, जिनको सुबह से लेकर के रात के करीब 11 बजे तक किसी भी हाल में 1,80,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में KYC पूरा करना है। और इसके भीतर वहाँ का SP हो, वहाँ का DM हो, कलेक्टर हो, जो कुछ कहना है कह लीजिए, सबको ये मैसेज है, सबको ये आदेश है, वो चाहे जो बैंक अधिकारी काम ना करे उस पर FIR दर्ज कर दीजिए, दो चार FIR भी दर्ज हो गए। लेकिन सिलसिले में एक पहले एक बात समझ लीजिए कि महाराष्ट्र के भीतर कुल जो जनधन योजना से जुड़े हुए बैंक अकाउंट है वो 3,55,90,463 होता है। यानी इसके भीतर से 1,80,00,000
अब उन तमाम महिलाओं के दायरे में आकर खड़ा हो गया है जिनको लाडली बहना का लाभ महाराष्ट्र के भीतर मिलने वाला है। और ये रफ्तार दरअसल महज 60 दिनों के भीतर इतना असर कर देगी, शायद इस बात को लेकर के कांग्रेस हो या फिर शिवसेना हो, उद्धव ठाकरे हो तो, या फिर शरद पवार हो, उन्होंने भी इस राजनीति के मर्म को पकड़ा नहीं होगा। इसीलिए ध्यान दीजिए, इस समय में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के टूटने को लेकर के जो राजनीतिक उबाल पैदा हुआ, उसके ठीक समानांतर लाडली योजना को लेकर के महिलाओं की भागीदारी जो अलग अलग जगहों के ऊपर नजर आने लगी, उसके भीतर एक संदेश बहुत साफ दे दिया कि पूरे महाराष्ट्र का भीतर अगर सियासी तौर पर सत्ता के अनुकूल काम करने लगेगा तो फिर राजनीतिक फायदा उसको पहुंच जाएगा। और इसीलिए बैंक दर बैंक को झोंक दिया गया कि आपको यही काम करना है, आपको कोई दूसरा काम इस दौर में करना नहीं है। और इस पूरे प्रक्रिया के भीतर उसके ऊपर निगरानी के लिए उस इलाके के पुलिस हो, इंस्पेक्टर हो, MLA हो, सांसद हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, तमाम तरह के लोगों का शिकायत हो जाए, चाहे वो सेवक जो आशा सेवक हो उसकी शिकायत हो जाए, ग्राम सेवक की हो जाए, सचिव की हो जाए, मालवाड़ी सेवक की हो जाए, तो भी उसके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी, चाहे किसी का भी हो। यानी ये कहे कि सियासी तौर पर एक ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र के भीतर ऐसी बना दी गई जिसका फायदा मौजूदा समय में राजनीतिक तौर पर क्या पलटते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये प्रयोग केवल महाराष्ट्र के भीतर हुआ, इससे पहले यदि कुछ राज्यों को आप देखेंगे तो झारखंड के भीतर भी शुरू किया गया है 18 अगस्त से, उसके भीतर 21 से 50 साल होता है, आपकी सालाना आय 3 लाख रुपए होनी चाहिए, महाराष्ट्र के भीतर ये 2.5 लाख रुपए हैं। 2.5 लाख रुपए का मतलब ये होता है कि आपको महीने में महज 8,000 रुपए से ज़्यादा की कमाई है। ये संदेश है कि आप किस रूप में किस तरीके से करेंगे। पश्चिम बंगाल के भीतर आप ध्यान दीजिए, फरवरी 2021 के भीतर लक्ष्मी भंडार शुरू किया गया था, उसके भीतर SC ST को 1200 रुपये दिए जाते थे और बाकियों को 1000 रुपये दिए जाते थे। कर्नाटक के भीतर ध्यान दीजिए गृह लक्ष्मी स्कीम 2000 रुपये महिलाओं को। तमिलनाडु के भीतर आप ध्यान दीजिए 15 सितंबर 2023 को कलिगर बदल क्या वो पूरी उड़ी मई किदान, ये तमाम तरह की चीज़ें शुरू की गई और 1000 रुपये सबको दिया गया, 1200 कर दिया गया। सियासी तौर पे फायदा इससे मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या कह रही है, खासतौर पर उस समय जब 2024 की चुनाव ने ये देश को बता दिया कि दरअसल बड़े मुश्किल में भारतीय जनता पार्टी है और सामने मजबूत स्थिति में कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन खड़ा है। और इसी दौर में बहुत ही राजनीतिक लकीर जो पतली पतली भारतीय जनता पार्टी के भीतर बैठ करके उनके धुरंधरों ने खींचा, और ऐसे में राज्य को सरकार को केवल इतना समझाया कि आपको बैंक हो या फिर तमाम प्रशासनिक अधिकारी सबको इसके भीतर झोंक देना, आखिर किसी भी हाल में कोई महिला छूटनी नहीं चाहिए। और इसका असर यदि आप ध्यान से इसको देखे समझे परखे तो बहुत ही बारीक तरीके से जो पूरी की पूरी बिसात बिछाई गई महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर, यदि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को यदि एक आधार मान करके आप चलते हैं तो ग्रामीण महाराष्ट्र के भीतर करीब करीब 48% वोट जो था वो इंडिया गठबंधन को पड़ा था, 16% कांग्रेस को, 32% उनके अलायंस पार्टनर को, भारतीय जनता पार्टी NDA भारतीय जनता पार्टी को मिला था 23% उनके अलायंस को मिला था 13%, यानी 48% इंडिया गठबंधन के साथ रूरल महाराष्ट्र खड़ा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, और महज 36% NDA के साथ खड़ा था। आखिर इस राजनीतिक रेखा में जो सर्वे निकल के सामने आता है वो एक ही झटके में दोनों परिस्थितियों को, यानी दोनों को करीब करीब 38% के आसपास लाकर खड़ा कर दिया है। यानी ये कह के 38 और 40% के भीतर दोनों घूमर रही है, यानी जो NDA पीछे था करीब करीब 12% महाराष्ट्र के रूरल एरिया में महिलाओं को वोट को लेकर के, वो 2% के फासले पर आकर खड़ा है 40 और 38%, 38, 39, 40 जो भी कही यहाँ तक बातें सामने निकल के आ रही है। हालांकि अर्बन में NDA को 54% वोट पड़े थे 2024 के लोकसभा चुनाव में और केवल 37% इंडिया गठबंधन को पड़े थे, लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक का शिफ्ट जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर उनके सहयोगी दलों के साथ महिलाओं के आश्रय जो नजर आ रहा है वो 54% से बढ़ करके 60% तक शहरों के भीतर जाने की स्थिति को अभी बता रहा है। आप ऐसे में सोचेंगे ग्रामीण महाराष्ट्र के भीतर महिलाएं बैंक तक पहुंची, जी नहीं, सवाल है कि बैंक के आंकड़े कह रहे हैं कि शहरों के भीतर भी इनकी संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। और इसको लेकर के भी जब आज इन तमाम सारे डाटा का एनालिसिस करने के बाद स्पष्ट होता है कि दरअसल ग्रामीण और सेमी अर्बन जो होता है इन क्षेत्रों में महिलाओं की जो संख्या होती है
वो करीब करीब 1.5 करोड़ होती है, और शहरी क्षेत्रों में यानी अर्बन और मेट्रो का जो इलाका होता है वहां पर करीब करीब 85 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई है उस योजना के साथ जिसका फायदा है या जिस अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो इस दौर में ऐसा नहीं कि कोई भी शहर अछूता है, लेकिन इसके साथ साथ अगला सवाल एक और है कि क्या सच में ओबीसी दलित आदिवासी इस दौर में। अब ध्यान देने वाली बात यह कि बहुत मार्जिन वोट का अंतर है एनडीए और इंडिया गठबंधन के भीतर, बहुत ही कम का मार्जिन रहा है। सवाल बार बार रहा है कि आखिर उन क्षेत्रों के भीतर जो खासतौर पर मराठवाड़ा और नॉर्थ महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यदि आप मराठवाड़ा का एक छोटा सा दृश्य आप देखिए, उससे पहले एक छोटा सा वीडियो देखिए आपकी मराठवाड़ा के भीतर आखिर जो इंडिया गठबंधन था उसको करीब करीब 44% वोट पड़े थे और एनडीए गठबंधन को केवल 29 के आसपास पड़ा था, और एक ही सीट जीत पाई थी एनडीए, और वह भी सीट शिवसेना ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी 0 पर आ गई थी जो पिछली बार 4 लोकसभा की सीटों को जीती थी। लेकिन इस मराठवाड़ा के भीतर जो फायदा जो लाभार्थी है उसकी संख्या मराठवाड़ा के भीतर करीब करीब 42% के आसपास है, 42% के आसपास होता है कि जो ओवरऑल जो जनधन योजना के तहत जिनका अकाउंट खुला जिनको एलडी बहना का ही लाभ मिल रहा है उस मराठवाड़ा रीजन में जो 42% उस दायरे में महिलाएं आती है, बाकी 58% पुरुष होते हैं। उस 42% का वोट मराठवाड़ा के भीतर पूरे तरीके से 62% शिफ्ट हो गया था कहाँ, इंडिया गठबंधन के पास 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब क्या वो शिफ्ट होगा, इसका क्या असर होगा, ये मामला केवल पैसे तक है, क्योंकि ये चाहे ओबीसी का समाज हो चाहे वो मुस्लिम समाज हो, इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में एक साफ हो जाएगी कि हर कोई इस दौर में उस दिशा की ओर क्यों बढ़ रहा है। असल में महिलाओं का इन भीड़ को देख करके आपके मन में एक सवाल होना चाहिए कि क्या महिला वोट बैंक महाराष्ट्र के राजनीति के भीतर जातियों के भीतर विभाजित नहीं है, यानी ओबीसी की महिलाएं पहले ओबीसी नहीं, आखिर शेड्यूल क्लास शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट में महिलाएं पहले हैं कास्ट बाद में है। तो उस दायरे को भी यदि इस दौर में अगर आप समझे तो आदिवासियों का वोट करीब 55 यानी 55% इंडिया गठबंधन के भीतर गया और एनडीए के पास 35% वोट पड़े, लेकिन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो लाभार्थी की संख्या लाडली योजना के तहत है वो करीब करीब 56% के आसपास है। वो 56% में से कितना प्रतिशत शिफ्ट होगा भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के पक्ष में, यह बात तो पता नहीं, लेकिन जिस परिस्थिति के साथ 1,500 रुपये यानी लाडली बहना ने जो कमाल किया है महाराष्ट्र की राजनीति में, वह परिस्थिति बताती है कि आदिवासियों के भीतर 56%, दलितों के भीतर करीब करीब 48% और ओबीसी के भीतर करीब करीब 52%। ये परिस्थितियां क्या शिफ्ट होगी, जबकि ओबीसी का 39% वोट एनडीए इंडिया गठबंधन को पड़ा था, 50% एनडीए गठबंधन को मिला था, उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी तो फिर वोट शिफ्ट होते हुए दिखाई देगा। ऐसे में दलितों में 46% वोट इंडिया गठबंधन को मिला था, 35% वोट सीधे सीधे तौर पर कहे तो एनडीए को पड़ा था, और आदिवासी बहुल क्षेत्र में 55% वोट इंडिया गठबंधन को मिला था और एनडीए को 65% वोट पड़ा था। इन परिस्थितियों के भीतर का एक हकीकत यह भी होता है कि मौजूदा समय में लाभार्थी का योजना के साथ जुड़ा हुआ जो रकम है, और इस आपसे शुरुआत में ही एक बात का जिक्र किया था कि विपक्षी नेता राहुल गांधी जो महिलाओं को 1,00,000 रुपया देने का जिक्र कर रहे थे उत्तर प्रदेश के भीतर 2024 के लोकसभा चुनाव में, उस दौर में युवाओं को नौकरी और स्टाइपेंड देने का जो जिक्र हो रहा था महाराष्ट्र में हूबहू उसकी कॉपी पेस्ट की गई आ गया, अब कॉपी पेस्ट करके पूरे के पूरे राज्यों में लगा दिया गया कि आपका यही काम है, और 30 सितंबर तक यानी इस महीने के आखिरी दिन तक, तब तक तो चुनाव के ऐलान होंगे नहीं, पहले इस बात का मानना जा रहा था कि शायद सितंबर में चुनाव का ऐलान हो जाएगा तो 31 अगस्त आखिरी तारीख रखी गई, लेकिन सिस्टमेटिक तौर पर देखें तो उसको बढ़ा दिया गया, क्योंकि इंटरनली पॉलिटिकल तौर पर जो इनपुट
इस समय में निकल करके सामने आ रही है वो साफ इंगित करने लगी कि दरअसल पहले सर्वे के भीतर केवल 88 सीटें ही एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही थी, यानी ये कहे कि 200 और 200 प्लस की स्थिति में इंडिया गठबंधन था, और मौजूदा समय की परिस्थिति के भीतर यह 88 सीटें बढ़ करके करीब करीब 130-135 सीट तक, यानी ये कहे कि करीब करीब बहुमत पाने की स्थिति में एनडीए गठबंधन आकर खड़ी हो गई है। तो क्या एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति थी जिसके बाद अगर आप ये कहें कि मराठा और वहां के कुर्मी समाज को वोट बैंक को परखे समझे तो उससे जुड़े हुए लाभार्थियों की संख्या करीब करीब 40% है, और उस 40% वोट अगर एनडीए को मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव में, और 39% वोट मिला था इंडिया गठबंधन को, लेकिन उसके भीतर जो महिलाओं का वोट बैंक था वो करीब करीब जो पड़ा था ज्यादा, और मराठा में महिलाओं के वोट और उन तमाम वोटों के जो करीब करीब जो 42% वोट पड़ा था इंडिया गठबंधन को, क्या वो खिसक जाएगा इस योजना के बाद? क्योंकि अलग अलग तथ्य बात तरीके से जो आपसे बात कर रहे थे मराठवाड़ा के बाद नॉर्थ महाराष्ट्र यानी उत्तर महाराष्ट्र की परिस्थिति को भी अगर समझे तो कांग्रेस को 44% वोट पड़े थे और 44 दशमलव कुछ वोट जो है भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को पड़े थे। आखिर मार्जिन बिल्कुल इस दौर में बहुत कम है, वो 1-1 की स्थिति है, लेकिन यहाँ पर समझना होगा कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी का जो नया महाराष्ट्र के लिए जो प्रयोग है महिलाओं को पैसा दे करके, वो कितने वोट बैंक की तरफ शिफ्ट होगा, अगर ये क्या कुछ कमाल होगा, ये आने वाले 2-4 दिनों के अंदर और भी बहुत कुछ साफ हो जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर लेकर के आएंगे। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय।